ओम वंदे मातर मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो सबके घर में उत्साह और उमंग भर देता है, हर मन में एक उत्साह और उमंग भर देता है। जी हाँ, कैसे जाने कि आप गर्भवती हैं। मित्रों, ये एक ऐसी स्थिति बनती है किसी भी महिला के लिए, किसी महिला के परिवार के पारिवारिक सदस्यों के लिए, कि सबके मन में एक प्रसन्नता, एक उत्साह का माहौल बन जाता है। मित्रों, पहले समय में जब करीब 30-40 साल पहले, जो करीब 50 साल पहले जो लोग थे वो कहते थे भाई खट्टा खाने का मन करे, वॉमिटिंग जैसा लगे, मतली आए, तो समझो कि गर्भवती है महिला। पर उस समय अधिकांश लोग घर का भोजन किया करते थे, तो उनको एसिडिटी, पित्त आदि अधिक नहीं बढ़ता था, तो उस समय संभावनाएं बन जाती थी और हो भी जाता था। कई बार ये सच निकलता था क्योंकि हमने फिल्मों में अक्सर वही देखा है। लेकिन इसको सही तरीके से हम कैसे जाने, इसके लिए आपको एक छोटा सा तरीका बता दूं। मित्रों, जब स्त्री गर्भवती होती है, संसर्ग के समय कई बार उसे एहसास हो जाता है कि कुछ अलग हुआ है इस बार, और उसे वहां पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। और जब हर किसी के एहसास इतने जागृत नहीं होते, तो दूसरा तरीका है, एक महीना जब होने आता है या अगली महावारी जब आपकी आनी है, उससे एक दिन पहले या उसी दिन या उसके एक दिन बाद आप अपनी स्तन को हाथ लगा के देखिए। यदि वो आपको पहले की अपेक्षा कड़क लगे, तो समझिए कि आप गर्भवती हैं। लेकिन यदि आप कोई दवा आदि ले रहे हैं, आप कोई गर्भाशय के लिए, कोई बच्चा होने के लिए दवा आदि ले रहे हैं, तो उस समय ये नियम आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सही नहीं मान सकते। उसके अलावा एक तरीका और है, जब गर्भ करीब 1.5 महीने का हो जाता है, जब भ्रूण करीब 1.5 महीने का हो जाता है, 1.5 से 2 महीने के आसपास का, उस समय, ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया, उससे पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके पता लगा लेते हैं। पर उसके अलावा भी एक तरीका है कि उस समय नाभि से ऊपर करीब यहाँ तक, ये जहाँ तक फेफड़े आते हैं उससे थोड़ा ऊपर, वहाँ तक आपको एक काली सी रेखा दिखाई देगी। ये काली सी रेखा पहले नहीं थी, ये बाद में बन गई है, ये गर्भवती स्त्रियों को अक्सर बन जाती है। लेकिन ये एक स्थिति में और बन जाती है, जिन लोगों को लेट के सीधा उठने की आदत होती है, उनको भी ये लाइन कभी कभी बन जाती है। तो उस स्थिति में आप ये बात नहीं जान सकते कि आप गर्भवती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मित्रों, हमने देखा है कि कुछ महिलाएं नहीं जाती हैं, या कुछ ये सोचते हैं कि भाई हमें नहीं जाना है, कुछ हर तरीके से बहुत से अलग अलग सबकी समस्याएं होती हैं। तो आप इस तरीके से भी जान सकती हैं कि आप गर्भवती हैं या नहीं। मित्रों, आज का खान पान बहुत बदल गया है, इसलिए मतली आना या वॉमिटिंग होना, उल्टी होना या खट्टा खाने का मन करना, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं बन गया। लेकिन और दूसरी बात, हर महिला का खट्टा खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे मीठा अच्छा लगता था, और हर महिला की अलग अलग उस समय मांग हो जाती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई यही होगा कि वही होगा, ये तो सबकी अपनी प्रकृति पर और कुछ सोच पर निर्भर करता है, और कुछ बदलावों पर निर्भर करता है, सोच भी शायद नहीं होती उसमें, बदलाव होते हैं। तो सब चीज़ें अपने आप उस समय होती हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो एक स्वभाव हो जाता है, वो क्या होता है कई बार उसका कोई विवरण नहीं हो सकता, वो महिला ही समझ सकती है, और वो क्या होता है, कैसे होता है, बाकी कोई समझ नहीं सकता, और जो उस समय जो गर्भवती है वही समझ सकती है। तो यंग आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो अपने मित्रों को बताइए, और यदि आप मेरे इस वीडियो से पहले दर्शक बन रहे हैं, तो इसके विवरण में जो लिंक दी हुई है वो अवश्य देखिएगा। और यदि आप गर्भवती हैं, तो पेट को हिलाने वाले, पेट को दबाने वाले कोई व्यायाम उसमें देख के ना करें, बाकी आप कर सकते हैं। तो यंग आपको जो भी लगे विवरण में टिप्पणी अवश्य करिएगा, और धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।